हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू लाइफ क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अपने नए लेक्चर में, जिसका नाम है मराठा साम्राज्य के बारे में। आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, आधुनिक इतिहास में। एक आपका 1857 की क्रांति, उसके बाद जो नए नए राज्यों का उदय हुआ, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, जाट, पंजाब, ठीक है, और आपका यह है मराठा साम्राज्य भी, ठीक है। उसके बाद आपका गांधी युग जब आता है, वह वाला, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता 1857 के बाद, ठीक है। यही हम लोगों को पढ़ना रहता है, ठीक है, गांधी एरा, ठीक है, और यूरोपियों का जो आगमन होता है वह, ठीक है। तो हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूरोपियों का आगमन, ठीक है, और 18वीं सदी में जो भारतीय समाज है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल और आप मॉडर्न हिस्ट्री, सभी तरह के वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और यह UPSC प्री का जो एग्ज़ाम आने वाला है, और SSC CGL और NTPC रेलवे का जो एग्ज़ाम, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो एग्ज़ाम होगा रेलवे का, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है, सभी तरह के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मराठा साम्राज्य जो है, मराठा उत्कर्ष के क्या कारण थे, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मराठा साम्राज्य के आखिर उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा, वैसे वैसे हम लोग जानते हैं कि मराठा साम्राज्य का उदय होने लगा एक तरह से। लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि भौगोलिक परिस्थिति, हिंदू जन जागरण, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुग़ल जो थे वो मुस्लिम थे, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, तुर्क थे, और मराठा लोग हिंदू थे, ठीक है। हिंदू जन जागरण, जब हिंदू जो लोग थे उनमें एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है, तो वहाँ से मराठा साम्राज्य का उदय होना चालू हुआ। और औरंगजेब की हिंदू विरोधी जो नीतियाँ थी, औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने लगे, ठीक है, बहुत सारे जो हिंदू थे उनको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाने लगा। उसने फिर से हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगवाया, जो कि जजिया कर जो था धार्मिक कर था, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था। अकबर ने क्या किया था कि जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है, बंद कर दिया था। लेकिन औरंगजेब जब आया तो उसने क्या किया, जजिया कर को पुनः लागू करवाया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो हिंदू लोग थे उनको बहुत कष्ट हुआ, और इससे क्या हुआ कि हिंदू लोगों की जन भावना जो थी बहुत आहत हुई, और इससे क्या हुआ कि वो बहुत विरोध करने लगे, ठीक है। उसके बाद मराठा संत एवं कवियों के धार्मिक आंदोलन जो हुए उसका भी प्रभाव पड़ा, ठीक है। मराठा साम्राज्य की पतनोन्मुख स्थिति, मुग़ल साम्राज्य जो थी उसकी जब पतन होने लगी, ठीक है, उसके बाद मराठा साम्राज्य का उदय होने लगा, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य की पतनोन्मुख स्थिति मतलब मुग़ल साम्राज्य का जब पतन होने लगा तो मराठा साम्राज्य का वैसे वैसे उदय होने लगा। वैसे भी 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आपका मराठा साम्राज्य भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें। अगर मराठा साम्राज्य में हम बात करें शिवाजी की, शिवाजी जिनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कुछ जगह पर 19 फरवरी 1630 ईस्वी मिला है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन NCERT के अगर बुक आप देखेंगे तो 1627 ईस्वी ही मिला है, ठीक है, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी NCERT की बुक में, कहीं कहीं पर 19 फरवरी 1630 ईस्वी मिला है। इनका जन्म जो हुआ था सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, पूना में महाराष्ट्र में पूना में, ठीक है, सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, इनके पिता और माता का नाम, तो माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले था, ठीक है, शिवाजी के। और इनके जो गुरु थे समर्थ रामदास थे,
और जो कि धरकरी संप्रदाय के थे। इनका राज्याभिषेक जो हुआ था 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके संरक्षक दादा कोंडदेव थे। इनकी उपाधि क्या उन कौन सी दी गई थी, तो हिंदू धर्मोद्धारक छत्रपति की उपाधि दी गई थी, छत्रपति शिवाजी कहा जाता था इनको। राजा की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी। प्रथम विजय इन्होंने जो किया था वो सिंहगढ़ किले को किया था 1643 ईस्वी में, ठीक है। और प्रथम राज्याभिषेक इनका जून 1674 में हुआ था रायगढ़ दुर्ग में, विश्वेश्वर में, ठीक है, गंगा भट्ट द्वारा। दूसरा जो इनका राज्याभिषेक हुआ वो निश्चलपुरी गोसाई द्वारा किया गया दिसंबर 1674 में, ठीक है। अगर हम शिवाजी के विजय के बारे में बात करें, जो इन्होंने युद्ध किया, ठीक है, तो 1643 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था सबसे पहले। उसके बाद 1646 ईस्वी में तोरड़ पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में चाकन, पुरंदर, बारामती, सूपा, तिकोना, लोहगढ़, इन सब पर अधिकार कर लिया इन्होंने। उसके बाद 1656 में ही जावली और रायगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। 1657 में इन्होंने पहली बार मुगलों से युद्ध किया, ठीक है, और बीजापुर की तरफ मुगलों से लड़ा, ठीक है। शिवाजी मुगलों की तरफ से, जो शिवाजी थे, बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़ा, ठीक है। 1659 में बीजापुर शासक ने शिवाजी को दबाने व कैद करने के लिए अफजल खां के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी, ठीक है। बीजापुर का जो शासक था उसने अफजल खां को भेजा था इसको मारने के लिए, ठीक है, शिवाजी को कैद करने के लिए, लेकिन अफजल खां की ही हत्या कर दी शिवाजी ने, ठीक है। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए शाहिस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन 1663 में शिवाजी ने रात में पूना के महल पर आक्रमण कर दिया और शाहिस्ता खां भाग निकला। सूरत को भी लूटा इन्होंने 1664 में, ठीक है, 1664 में सूरत को इन्होंने लूटा। उसके बाद औरंगजेब ने आमेर के राजा, मिर्ज़ापुर राजा जयसिंह को शिवाजी दमन के लिए भेजा। जयसिंह के साथ युद्ध में शिवाजी की हार हुई और शिवाजी ने संधि कर ली। जयसिंह के बारे में कहा जाता है कि एक कोई युद्ध हारता नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, जो जून 1665 में एक संधि हुई, इसमें 23 किले जो हैं मुगलों को सौंपने पड़े थे शिवाजी को, ठीक है। 1666 में जयसिंह के आश्वासन पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा आए, ठीक है, लेकिन उचित सम्मान न मिलने पर उठकर चल दिए। उससे नाराज होकर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके जयपुर आगरा में रखा, ठीक है। शिवाजी ने औरंगजेब से समझौता कर लिया और अपने पुत्र सांभाजी को मुगल युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। तो राजा की उपाधि किसने दी थी शिवाजी को, तो औरंगजेब ने दिया था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1670 में शिवाजी ने पुनः मुगलों से युद्ध किया था और पुरंदर की संधि द्वारा खोए अनेक किलों को पुनः जीत लिया था। कर्नाटक अभियान 1677 में इन्होंने शुरू किया, जो तो शिवाजी ने झिंझी, मदुरई, बेल्लूर आदि के साथ कर्नाटक एवं तमिलनाडु के लगभग 100 किलो को जीत लिया था। दक्षिण भाग का राजधानी किसको बनाया, तो झिंझी को, ठीक है। 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब क्या इतिहासकारों के क्या क्या विचार हैं, या जैसे स्वामी विवेकानंद इनके बारे में क्या लिखा है, तो विगत एक सहस्त्राब्दि में शिवाजी जैसा कोई हिंदू सम्राट नहीं हुआ है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। उसके बाद जदुनाथ सरकार ने क्या कहा है, मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। यह दो विचार हैं जो महान विभूतियों ने अपने प्रकट किए हैं, ठीक है। शिवाजी का प्रशासन अगर हम देखें, तो प्रशासन में शीर्ष पर छत्रपति होता था, जो कि शिवाजी थे, ठीक है, छत्रपति की उपाधि मिली थी। छत्रपति प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक, अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति था। सबसे ऊपर मतलब यही होते थे। अष्ट प्रधान मतलब 8 मंत्रियों की एक संस्था होती थी, जिनसे यह सहायता लेते थे संचालन करने में। इन मंत्रियों का कार्य क्या होता था, तो छत्रपति को परामर्श देना होता था।
प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। जैसे आठों लोग, जैसे पेशवा जो होता था वो राजा का प्रधानमंत्री होता था, संपूर्ण राज्य शासन की देखभाल करना इसका प्रमुख कार्य होता था। एक जो होता था अमात्य या मजूमदार होता था, वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, ठीक है। एक जो होता था तीसरा वाकिया नवीस होता था, राजा और दरबार के दैनिक कार्यों का विवरण रखना। चौथा जो होता था सुखनबीस या सचिव, वो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य वही देखता था। और एक सुमंत होता था विदेश मंत्री। अगला जो है छठा, वह सर ए नौबत या सेनापति कहलाता था। सेना की भर्ती, संगठन, रसद आपूर्ति इसका कार्य होता था। और जो आपका सातवां है पंडित राव, वो धार्मिक अनुदानों संबंधी कार्य करता था। और एक न्यायाधीश जो आठवां है वो राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था, दीवानी और फौजदारी दोनों में, ठीक है। लेकिन इन सबसे ऊपर छत्रपति होता था, ठीक है, जो कि निरंकुश शासक भी करता था, जो कि राजा को प्राप्त था, ठीक है। सर्वोच्च पद पर छत्रपति ही होता था, ठीक है। इन सब लोगों का कार्य बस उसको सहायता प्रदान करना था, ठीक है। चलिए आगे बात करें। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी युद्ध में भाग भी लेते थे, यह भी ध्यान देना आवश्यक है। चिटनीस मुंशी होता था, ठीक है। चिटनीस जो एक पद है वह मुंशी होता था, पत्राचार लिपिक का पद, ठीक है। और जो मैंने अभी आठों पद आपको बताए हैं, ठीक है, जो आठ अष्ट प्रधान जिसको कहा जाता था, जो कि आठों मंत्रियों के पद थे, उसमें से पंडित राव और न्यायाधीश जो था, ठीक है, उनको छोड़ करके सभी छयों लोगों का जो थे उनको युद्ध में भाग लेना आवश्यक होता था, ठीक है। सेना के बारे में अगर बात करें तो शिवाजी के पास अस्थाई और नियमित सेना थी। घुड़सवार की अगर बात करें तो बड़गीर राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र दिए जाते थे, सिलेदार स्वयं के घोड़े और अस्त्र रखते थे। शिवाजी की सेना में भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक थे, सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। मावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक कहलाते थे और पागा घुड़सवार सेना का एक संगठन था। राजस्व प्रशासन की अगर बात करें, ठीक है, तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था और किसान के लगान निर्धारित किया जाता था। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। आरंभ में शिवाजी ने उपज का 33% भाग कर के रूप में वसूल किया, बाद में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया, ठीक है। भूमि की पैमाइश काठी से की जाती थी। कृषकों को तबाजी ऋण भी दिया जाता था। गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी पाटिल और जिले के देशमुख या देश पांडे होते थे। चौथ जो वर्ड शब्द प्रयोग किया गया है वह क्षेत्रों के उपज का 1/4 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। और सरदेश मुखी यह अतिरिक्त कर कहलाता था, जो उपज का 1/10 भाग या 10% होता था, ठीक है। न्याय व्यवस्था अगर देखें तो न्याय व्यवस्था तो सबसे बड़ा न्यायाधीश तो छत्रपति ही कहलाता था और ऊपर से एक और न्यायाधीश होता था, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था प्राचीन स्मृतियों पर आधारित थी, ठीक है। ग्राम स्तर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल करता था। अपील की अंतिम अदालत हाजिर मजलिस थी। और अंतिम और सर्वोच्च न्यायाधीश या कानून निर्माता कौन था, तो छत्रपति, ठीक है। शिवाजी के उत्तराधिकारी अगर देखें तो शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई, 21 अप्रैल 1680 ईस्वी में, ठीक है। तो राजा राम का राज्याभिषेक हुआ। इसके कुछ समय बाद ही शिवाजी के दो पुत्रों, दो पत्नियों से जो उत्पन्न हुए थे, संभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकार का विवाद हो गया। अंततः राजा राम को गद्दी से उतारकर संभाजी का सिंहासनरूढ़ किया गया 20 जुलाई 1680 में, ठीक है। अब संभाजी जब फिर से बन गए राजा तो यह शिवाजी के छोटे पुत्र थे। 1680 से 1689 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। शिवाजी ने इन्हें पन्हाला किले में कैद कर दिया था। 16 जनवरी 1681 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ब्राह्मण कवि कलेश को प्रशासन का सर्वोच्च पद सौंपा।
इनके समय में अष्टप्रधान में विघटन हो गया था, ठीक है। जो अष्टप्रधान होते थे शिवाजी के टाइम में, 8 मंत्रियों का पद, ठीक है, उनमें विघटन हो गया। इन्होंने अकबर के, औरंगजेब के पुत्र अकबर को संरक्षण दिया था, इसी कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। संभाजी के साथ कवि कलश की हत्या भी करवाई थी, ठीक है। उसके बाद राजा राम फिर से बना, ठीक है। तो संभाजी की जब मृत्यु हो गई, औरंगजेब ने जब इसकी हत्या करवा दी संभाजी की, तो राजा राम को फिर से गद्दी पर बैठाया गया। राजा राम स्वयं को साहू, ठीक है, का प्रतिनिधि कहता था, संभाजी के पुत्र का प्रतिनिधि कहता था। 1689 से 1700 ईस्वी तक इसने शासन किया। राजा राम के समय में ही प्रतिनिधि पद का सृजन हुआ, जो पेशवा से ऊपर एवं छत्रपति के नीचे का पद था। इस प्रकार अष्ट प्रधान में अब 9 मंत्री हो गए। पहले 8 मंत्री होते थे, अब 9वां मंत्री एक प्रतिनिधि का हो गया, जो कि पेशवाओं से ऊपर और छत्रपति, जो कि सबसे बड़ा पद था राजा का, उससे थोड़ा नीचे, ठीक है, क्योंकि यह अपने आप को प्रतिनिधि कहने लगा था। चाहता तो राजा भी बन जाता, ठीक है। तो 1689 ईस्वी में औरंगजेब के आक्रमण के भय से राजा राम ने रायगढ़ को छोड़कर जिंजी में शरण ली और 8 वर्षों तक जिंजी को राजधानी बना, वहीं रहा। औरंगजेब ने 1689 में रायगढ़ पर आक्रमण कर साहू को बंदी बना लिया, जो औरंगजेब की मृत्यु तक कैद में रहा। साहू जो था, ठीक है, वो संभाजी का पुत्र था, ठीक है, उसको कैद कर लिया औरंगजेब का पुत्र। औरंगजेब ने संभाजी के पुत्र को, जो साहू था, उसको कैद कर लिया और औरंगजेब की मृत्यु जब तक नहीं हो गई 1707 ईस्वी में, तब तक कैद में रहा, ठीक है। उसके बाद जब औरंगजेब का पुत्र जब बनता है मुगल सम्राट बहादुर शाह, ठीक है, तो उसको छोड़ा जाता है, ठीक है। राजा राम के समय 1689 ईस्वी में मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया था। राजा राम जिंजी से वापस आया और सतारा को राजधानी बनाया, ठीक है। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई, शिवाजी द्वितीय ताराबाई के संरक्षण में। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय नाम से गद्दी पर बैठाया और स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हुई, तो औरंगजेब का पुत्र जो था आजम शाह ने जुल्फिकार खां के कहने पर साहू जी को आज़ाद करवा दिया, ठीक है। अब साहू जी के बारे में हम थोड़ा जान ले, उन्होंने भी शासन किया 1707 से 1749 ईस्वी तक, जो कि पहले कैद में थे मुगलों के, ठीक है, औरंगजेब ने कैद कर लिया था इनको। तो औरंगजेब की कैद से यह रिहा होकर के सतारा पहुँचे और सतारा पर ताराबाई का अधिकार था, तो खेड़ा का युद्ध हुआ। यह ताराबाई की सेना एवं साहू जी की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से साहू जी विजयी हुए, ताराबाई भागकर दक्षिणी महाराष्ट्र पहुंच गई। 1708 ईस्वी में साहू जी का राज्याभिषेक हुआ और उसकी राजधानी सतारा थी। मराठा राज दो भागों में बट गया। वारना की संधि हुई 1731 ईस्वी में, उत्तर राज्य जो था साहू जी के अधीन हो गया, राजधानी थी सतारा, और दक्षिणी राज्य साहू जी शिवाजी द्वितीय के अधीन हो गया, जिसकी राजधानी कोल्हापुर हो गया, ठीक है। 1708 ईस्वी की अगर बात करें तो इसमें बालाजी विश्वनाथ को सेनारकते, सेना के व्यवस्थापक का प्रदान किया गया। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर आसीन किया गया। इसके बाद यह पेशवा पद वंशानुगत हो गया, ठीक है। पहले यह वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन 1713 ईस्वी के बाद यह वंशानुगत हो गया। 1714 ईस्वी में राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने ताराबाई एवं उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को कैद कर लिया और अपने पुत्र संभाजी द्वितीय के साथ कोल्हापुर में बस गई। अब राजा राम द्वितीय के बारे में अगर बात करें, 1749 से 1750 ईस्वी तक इसने शासन किया, तो ताराबाई के कहने पर राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। संबोला की संधि हुई 1750 में, जिसमें बालाजी बाजीराव एवं राजा राम द्वितीय के बीच यह संधि हुई थी, ठीक है। मराठा संघ का वास्तविक नेता पेशवा बन गया इस संधि के अनुसार, जो पेशवा, अब पेशवाओं के काल में मराठा क्या होता था, अब मराठा साम्राज्य जो है
पेशवाओं के काल में अब छत्रपति का पद जो है समाप्त कर दिया गया एक तरह से, ठीक है। अब पेशवा जो है मराठा साम्राज्य में प्रधान पद हो गया था उस टाइम में। अब अगर बात करें तो बालाजी विश्वनाथ जो थे 1713 से 1720 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण थे, ठीक है, जो पेशवाओं के क्रम में सातवें नंबर पर थे, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता था। 1708 ईस्वी में इन्हें सेनारकते का पद प्रदान किया गया था। 1713 में यह पेशवा बने थे। दिल्ली संधि, मुगल मराठा संधि, बालाजी सैयद हुसैन संधि, यह सब संधियां हुई थी, ठीक है। फर्रुखसियार को सिंहासन से हटाना हो, ठीक है, उसके लिए यह दिल्ली संधि हुई थी। बहुत सारे इनको नाम दिए जाते हैं। यह संधि जो हुई थी सैयद हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के बीच हुई थी। मुगलों के ओर से सैयद हुसैन अली ने आए थे संधि करने के लिए। रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा इसे कहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यूपीएससी प्री में आया हुआ है यह क्वेश्चन कि किस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो रिचर्ड टेम्पल ने इसी संधि को, दिल्ली संधि, मुगल मराठा संधि, बालाजी या सैयद हुसैन अली संधि, तीन संधियों के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, जो कि बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन अली के बीच हुआ था, उसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल शासक कौन था? तो रफीउद दरजात था। बाजीराव प्रथम अगर देखें तो मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष कर ले गया। 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक इसने शासन किया। मुगल साम्राज्य की तात्कालिक स्थिति, बाजीराव ने कहा हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी, ठीक है। मुगल साम्राज्य का जो स्थिति था बहुत ही दुर्गति हो चुकी थी मुगल साम्राज्य की, इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करने चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठाओं ने दक्कन के निजामुल का सहयोग किया और निजाम ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को परास्त किया था। पालखेड़ा का युद्ध हुआ 7 मार्च 1728 ईस्वी में, बाजीराव ने निजाम को परास्त किया। इस युद्ध में हारने के बाद निजाम ने मुंशी शिवगांव की संधि की। इस संधि के बाद दक्कन में मराठा सर्वोच्चता स्थापित हो गई, ठीक है। डमोई का युद्ध हुआ 1731 में, जिसमें बाजीराव ने त्र्यंबक राव को पराजित किया। 1738 में गुजरात को मराठा राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद अमझेरा का भी युद्ध हुआ 1728 में, जिसमें बाजीराव ने मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर को पराजित किया था। मुगल सूबेदार समाई जयसिंह, मोहम्मद खां बंगस, गिरधर बहादुर इत्यादि मराठा पेशवा बाजीराव और मराठा सरदार उदा जी पवार और मल्हार राव होलकर को रोकने में असफल रहे। 1735 ईस्वी तक मालवा में मुगलों की सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी, ठीक है। बुंदेलखंड का विजय भी किया इन्होंने 1728 में मराठाओं ने मुगलों से बुंदेलखंड के सभी विजित प्रदेश वापस छीन लिए, ठीक है। जो भी इन्होंने मुगलों ने मराठाओं से पहले छीन लिए थे वो फिर से वापस ले लिए 1728 में। छत्रसाल ने पेशवा की शान में आयोजित दरबार में एक मुस्लिम नर्तकी को पेश किया एवं कालपी, झांसी, सागर एवं हृदयनगर पेशवा को जागीर में भेंट किया। दिल्ली पर आक्रमण किया इन्होंने 29 मार्च 1737 में। 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद पेशवा को मालवा की सूबेदारी मिल गई और 13 लाख वार्षिक धनराशि की अदायगी के साथ आश्वासन पर पेशवा वापस लौट आए, ठीक है। भोपाल का युद्ध हुआ 1738 में, पेशवा ने निजाम को घेर लिया और संधि करने पर विवश किया। दुरई सराय की संधि हुई, संपूर्ण मालवा और नर्मदा के चंबल तक का क्षेत्र मराठों को प्राप्त हो गया। बसीन विजय हुई 1739 में, मराठों ने पुर्तगालियों से बसीन छीन लिया। 1732 में बाजीराव ने एक इकरारनामा तैयार किया जिससे संपूर्ण मराठा राज्य के 4 नए मराठा राज्यों की आधारशिला तैयार की गई। ग्वालियर से सिंधिया राजवंश, ठीक है, इंदौर से होलकर राजवंश,
बड़ौदा से गायकवाड़ राजवंश और नागपुर से भोसले राजवंश। ठीक है, बालाजी बाजीराव के बारे में अगर बात करें, जिनका अन्य नाम नाना साहब है, ठीक है, नाना साहब, 1857 की जब क्रांति होती है, ठीक है, 1857 की जब क्रांति होती है उनमें इनका नाम आता है। 1740 से लेकर के 1761 तक इन्होंने शासन किया। अन्य मराठा इसने मराठा शासक राजा राम द्वितीय से संगौला समझौता करके राज्य के संपूर्ण अधिकार स्वयं ले लिए। 1742 ईस्वी में झांसी मराठों का उपनिवेश बना। 1751 ईस्वी में उड़ीसा पर मराठों का अधिकार हो गया। बंगाल और बिहार से चौथ समाप्त। निजाम और मराठों के बीच भलकी की संधि हुई और बड़ाद का आधा क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ। सिंध खेड़ा का युद्ध हुआ, मराठों ने निजाम से कई प्रदेश छीने। उदगीर का युद्ध हुआ 1760 में, अहमदनगर, दौलताबाद, बहरानपुर और बीजापुर प्राप्त किया मराठों ने। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, 14 जनवरी 1761 ईस्वी। यह इंपॉर्टेंट डेट है, यूपीएससी प्री और एसएससी सीजीएल में बहुत बार आ चुका है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और मराठाओं के बीच हुआ था। बालाजी बाजीराव उस समय मराठाओं में पेशवा थे, जिसमें मराठाओं की हार हो गई थी और मराठा शक्ति का बुरी तरह से ह्रास हुआ था। उसके बाद माधवराव प्रथम थे। इस हार के बाद जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था उसमें जब मराठाओं की हार हुई, उसके बाद मराठाओं की प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने की कोशिश की इन्होंने। हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया। इसी के काल में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1772 में मराठाओं की संरक्षिता स्वीकार की और इसकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो जो माधवराव प्रथम थे बहुत ही चतुर शासक थे। ठीक है, उसके बाद नारायण राव आते हैं जो कि माधवराव का छोटा भाई था, इसकी हत्या कर दी गई, रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी। उसके बाद माधव नारायण राव आए, 1774 से 95 तक इन्होंने शासन किया। नारायण राव का पुत्र था, नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल के नेतृत्व की गई। उसके बाद बाजीराव द्वितीय जो है 1795 से 1818 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया एवं यशवंत राव होलकर के हाथ में रही। पूना में पेशवा एवं होलकर के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो पूना में पेशवा और होलकर के बीच संघर्ष हुआ था, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया ने होलकर के सिराब षड्यंत्र रचा था। ठीक है, और 1801 ईस्वी में पेशवाओं ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की निर्मम हत्या कर दी थी। ठीक है, तो जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी थी। उसके बाद जसवंत राव होलकर ने 1802 ईस्वी में पूना पर आक्रमण कर दिया और पेशवा और सिंधिया के संयुक्त सेना को हृदयसर नामक स्थल पर पराजित कर पूना पर अधिकार किया। बाजीराव द्वितीय बसीन भाग गया, वहाँ उसने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि कर ली। उसके बाद हम लोग जानेंगे मराठा रियासतें। मराठा क्षेत्र मुख्य रूप से 6 रियासतों में बटा था, सतारा जहाँ से छत्रपति, ग्वालियर सिंधिया, उसके बाद बड़ौदा की अगर बात करें तो वहाँ से गायकवाड़, पूरे से अगर बात करें तो पेशवाएँ, पेशवा जो थे वह राज करते थे, नागपुर से भोसले, इंदौर से होलकर। ठीक है, सिंधिया राजवंश की अगर बात करें तो मालवा में सिंधिया वंश की स्थापना रानू जी सिंधिया ने की थी। ठीक
ठीक है। प्रारंभ में इनकी राजधानी उज्जैन थी, बाद में ग्वालियर को राजधानी बनाया गया। महाराज जी सिंधिया इस वंश का एक प्रतापी सादा राजा हुआ। 1803 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया अपने क्षेत्र को अंग्रेजों के समर्पण के लिए बाध्य हो गया। भोसले राजवंश, तो भोसले राजवंश की अगर बात करें तो नागपुर में भोसले वंश की स्थापना रघुजी भोसले ने की थी। बंगाल और बिहार में इस साम्राज्य का विस्तार का उत्तरदायी माना गया। गायकवाड़ राजवंश जो है वो पिलाजी राव गायकवाड़ ने इस वंश की स्थापना की थी। गायकवाड़ गुजरात में मराठा सेनापति दबादे परिवार के अधीनस्थ थे। दामाजी राव गायकवाड़ जो थे वो मराठा सेना के साथ पानीपत की तृतीय युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। होलकर राजवंश जो है वो इंदौर में होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। अल्लियाबाई होलकर के बारे में थोड़ा पढ़ लें तो ये होलकर वंश का गौरव और कुशल साजिका मानी जाती हैं, अल्लियाबाई होलकर। ये मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर की पत्नी थी। अल्लियाबाई होलकर महिला सशक्तिकरण की पक्षधर थी। कलकत्ता से बनारस तक सड़क, बनारस का अन्नपूर्णा मंदिर, गया में विष्णु मंदिर इन्होंने बनवाए, ठीक है। बनारस की काशी विश्वनाथ मंदिर की वर्तमान आकृति का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। रणजीत सिंह ने मंदिर के लिए सोना दान किया एवं 2 स्वर्ण गुंबद बने। आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए उसको बारे में हम जरूर जान लेते हैं। सूरत की संधि 1775 में हुई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सूरत की संधि कब हुई थी, सीजीएल का क्वेश्चन है। तो बम्बई की, उस समय बम्बई होता था, तो बम्बई की अंग्रेजी सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच हुआ था यह। इस संधि में तय हुआ था कि अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में सहायता करेगी, मराठे बंगाल एवं कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच, यह युद्ध चला था। 18 मई 1775 को आरस के मैदान में अंग्रेज और मराठों के बीच पहला संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में मराठों की हार हुई। उसके बाद 3 प्रकार की संधियां हुई, जिसमें 1776 को 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि हुई। वारेन हैंगस्टिंग्स ने पूना दरबार में कर्नल अपटन को भेजकर यह संधि की, लेकिन यह संधि कार्यान्वित नहीं हुई। उसके बाद बडगांव की संधि 1779 में हुई। पूरे दरबार एवं अंग्रेजों के बीच यह संधि हुई। वारेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद सालबाई की संधि हुई 1782 में। तो महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार एवं अंग्रेजों के बीच संधि हुई 1782 में, 17 मई 1782 को, ठीक है। इससे आंग्ल मराठा संघर्ष रुक गया। इस संधि से अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ माधव नारायण राव को पेशवा माना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच। यह युद्ध 2 मुख्य केंद्रों में शुरू हुआ था, डक्कन बेलेजली के अधीन अंग्रेज सेना एवं सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें बेलेजली विजयी रहा, उसकी जीत हुई। जनरल लेक के अधीन अंग्रेज सेना और सिंधिया की सेना के बीच उत्तर भारत में, जिसमें अंग्रेजी सेना ने विजय प्राप्त की। दोनों जगह जो है अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। तो देवगांव की संधि हुई 1803 में और सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई 1803 में 30 दिसंबर। 17 दिसंबर को देवगांव की संधि और 30 दिसंबर को सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 18 के बीच में। यह युद्ध पेशवा और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें पेशवा पराजित हुआ। पूना की संधि हुई 13 जून 1817 में। यह पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता त्यागनी पड़ी। दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच 5 नवंबर 1817
17 ईस्वी को ग्वालियर की संधि हुई। नागपुर के भोसले और अंग्रेजों के बीच 17 मई 1816 ईस्वी में सहायक संधि हुई। होलकर एवं अंग्रेजों के बीच 6 जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि हुई। पेशवा एवं अंग्रेजों के बीच दो और संघर्ष हुआ, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1818 ईस्वी में सर जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन पर कानपुर के समीप बिठूर में रहने की आज्ञा दे दी गई। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। मराठा के पतन के क्या कारण थे? तो उत्तरकालीन मराठों का इसके पतन के बहुत सारे कारण थे, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें से अगर पहले पतन के बारे में हम लोग ध्यान दें तो उत्तरकालीन मराठों का अकुशल नेतृत्व, सैन्य प्रणाली में आधुनिकता का अभाव, आधुनिक नहीं थी सैन्य प्रणाली, मराठों का अपर्याप्त नौसेना, ठीक है, अंग्रेजों के पास बहुत सारी नौसेना थी, अंग्रेजों से जब युद्ध करने लगे तो वहाँ पर हारने लगे क्योंकि अंग्रेजों की नौसेना बहुत ही सक्षम थी, उसके बाद गुप्तचर प्रणाली का अभाव, मराठा सरदारों की आपसी कलह, ठीक है। अगर आगे बात करें, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, लेकिन वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।